गप्पी चुटकी, तुम दोनों ध्यान से झूला झूलो, तुम्हें चोट लग सकती है। झूले से भला क्या होने वाला है, तुम चिंता मत करो स्माइली, हमें कुछ नहीं होगा। गप्पी स्माइली सही बोल रही है, तुम थोड़ा धीरे कर दो झूला। तुम दोनों इतना क्यों डर रही हो, रुको मैं तुम्हें एक और तरकीब करके दिखाता हूँ। गप्पी तुम ठीक तो हो ना, क्या तुम चल सकते हो? चुटकी लगता है गप्पी को बहुत दर्द हो रहा है, अब हम क्या करें? स्माइली क्या हम ये मिट्टी लगा दें गप्पी की चोट पर और फिर ये रुमाल बांध देंगे? ये तो अच्छा आइडिया है चुटकी। बच्चों तुम क्या कर रहे हो? कोई बात नहीं गप्पी, लाओ मैं तुम्हारी चोट साफ कर देती हूँ। ओह वैसे मिट्टी का लेप गप्पी को राहत तो देगा, लेकिन ऐसे ही कोई भी मिट्टी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें साफ मिट्टी का इस्तेमाल करना चाहिए। ओह अच्छा, तो क्या मिट्टी लगाने से चोट ठीक हो जाती है? नहीं, देखो गप्पी को चोट भी काफी लगी है, उसका सही तरीके से इलाज करना जरूरी है, नहीं तो इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन? क्या सच में रोमा आंटी? चिंता मत करो बच्चों, मेरे पास फर्स्ट एड बॉक्स है। हमें सबसे पहले घाव को पानी से साफ करना चाहिए ताकि उस पर लगी मिट्टी या धूल निकल जाए। सॉरी गप्पी, मुझे पता है तुम्हें दर्द हो रहा है, पर एंटीसेप्टिक लगाना जरूरी है, उसमें बैंडेज लगा के उसको सुरक्षित करना चाहिए ताकि घाव अच्छे से ठीक हो। अब क्या तुम्हें बेहतर लग रहा है गप्पी? हाँ अब दर्द कम हो रहा है, शुक्रिया रोमा आंटी। देखा गप्पी, बोला था ना झूला ज्यादा तेज मत झूलो, लग गई ना चोट। सॉरी दोस्तों, आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। बच्चों जब तुम्हें चोट लगे तो घबराना मत, आज जो मैंने सिखाया है वो याद रखना, और अगर कुछ समझ ना आए तो किसी बड़े से जाकर मदद मांगना, समझे? हाँ। दोस्तों हमारी ही तरह आप भी समझ ही गए होंगे चोट लगने पर हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले चोट को पानी से साफ करना चाहिए, फिर एंटीसेप्टिक लिक्विड और क्रीम लगानी चाहिए, और आखिर में पट्टी। बाय बाय दोस्तों, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।